हेलो गाइस, वेलकम टू स्टॉक अडेक। नाउ डू यू गाइस नो दैट आईसीआईसीआई डायरेक्ट हैज गिवन टारगेट्स फॉर सेवरल सीमेंट स्टॉक्स एंड सम ऑफ द टारगेट्स हैव अ अपसाइड पोटेंशियल ऑफ 50% फ्रॉम द करंट प्राइस ऑफ द स्टॉक। नाउ दे हैव गिवन बाय रेटिंग टू मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स लाइक अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, ACC, रैमको सीमेंट, JK सीमेंट। Now, what is so special about cement stocks that they have given such massive targets? So, in this video, we are going to look at those factors which are crucial for the cement industry of India. So, in this video, we would start with the introduction phase, which would include the basics of the cement sector or the industry, then the costing of raw materials and the pricing of cement, then industry overview, then the comparison of several major cement companies of India, then the government initiatives or the support scheme to support the cement sector, and finally the future outlook and the challenges for the cement industry. Do you guys know that India is the second largest producer of cement in the world? It accounts for more than 7% of the global installed capacity, and the cement industry is the second most primary industry in the country after the iron and steel industry. ऑल्सो गाइज, अगर इंडिया सेकेंड पे है तो फर्स्ट पर कौन है? कौन सी कंट्री है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सीमेंट की पूरी दुनिया में? अगर आपको इसका आंसर पता है तो इट्स वेल एंड गुड, बट इफ समवन डजंट नो देन आई विल गिव यू फोर ऑप्शंस एंड यू कैन गेस। वन इज चाइना, अदर इज यूनाइटेड स्टेट्स, देन वियतनाम या फिर रशिया। इन चारों में से आपको क्या लगता है कौन सी कंट्री दुनिया की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सीमेंट की? अगर आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मेजरली सीमेंट आर डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज, वन इज पोर्टलैंड एंड सेकेंड इज ब्लेंडेड। नाउ सो गाइज, ब्लेंडेड और पोर्टलैंड सीमेंट में डिफरेंस क्या है? तो ब्लेंडेड सीमेंट बनाया पोर्टलैंड सीमेंट से ही जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट को एक बेस की तरह यूज किया जाता है, लेकिन उसमें फिर दूसरे मटेरियल जैसे लाइमस्टोन स्लैग को ऐड कर दिया जाता है, तो उससे सीमेंट का डिफरेंट ब्लेंड बन जाता है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है। जैसे ये सीमेंट को कम पानी चाहिए रहता है और इसमें क्रैक भी कम आते हैं, ज़्यादा मजबूत रहता है, इसलिए इनको बिल्डिंग्स, रोड कंस्ट्रक्शन और माइनिंग के लिए यूज किया जाता है। लेकिन जो दूसरा टाइप का सीमेंट है, बेस सीमेंट, विच इज़ द पोर्टलैंड सीमेंट को ज्यादातर कॉन्क्रीट पर्पस के लिए यूज किया जाता है, जैसे बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस के लिए जिसमें पैनल्स, मेगा स्ट्रक्चर्स या डैम्स, और रोड के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ऑल्सो गाइज, जब हम रॉ मटेरियल की बात कर ही रहे हैं तो सीमेंट के लिए मेजर रॉ मटेरियल कौन से हैं जो यूज होते हैं? सो लाइमस्टोन, क्ले एंड जिप्सम आर द मेजर रॉ मटेरियल्स विच आर यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बट इट बिगिंस विद माइनिंग एंड देन ग्राइंडिंग ऑफ रॉ मटेरियल दैट इंक्लूड्स लाइमस्टोन, क्ले एंड सम फाइन पाउडर, एंड देन इट इज हीटेड एट अ टेम्परेचर ऑफ 1450 डिग्री सेल्सियस। नाउ अगर इसमें हीटिंग इन्वॉल्व है तो ज़रूर एनर्जी का रोल होगा, एनर्जी के बिना हीटिंग पॉसिबल नहीं है। तो ये एनर्जी रिक्वायरमेंट किससे होती है? ये इसके लिए कोल और पेटको, तो ये दो एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं सीमेंट इंडस्ट्री की। तो इधर लेफ्ट वाले चार्ट में हम देख सकते हैं ये प्राइजेस है जो रिलायंस ने रखी है पेट कोक की, ये प्राइजेस है पर टन। तो इन दिस ग्राफ वी कैन सी दैट रिलायंस हैज नॉट डिक्रीज द प्राइजेस ऑफ पेट कोक कंसेक्यूटिवली फॉर द लास्ट 13 मंथ्स टिल द मंथ ऑफ जुलाई एंड 2021। तो मतलब उसके पहले के 13 महीनों तक रिलायंस ने कंटिन्यूसली पेटकोक की प्राइस बढ़ाई थी। और राइट साइड के ग्राफ में हम देख सकते हैं डीजल और पेटकोक की प्राइसेस। तो जुलाई में 12,700 थी पर टन, उसके बाद 14,200 हो गई सिर्फ 3 महीने में। तो इससे रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई, और ये कॉस्टिंग और ज़्यादा बढ़ गई आफ्टर द रशिया एंड यूक्रेन वॉर। So guys, you would be thinking, if raw material prices are increasing at such a rapid pace, then cement companies might be at a good amount of loss. Cement prices were around 362 in the first quarter of 2021, then increased by some extent and reached to 373 by the September end. And since then, the cement prices have crossed the mark of 400. In fact, some of the companies are selling their cement at inflated prices. As of now, cement prices have reached or breached the level of 400. We can see here Ultratech Cement selling the bag at rupees 430, Ambuja Cement 420, Birla Cement 440, JK Lakshmi near 390. So companies are near about 400 rupees per bag. ऑल्सो गाइज, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे सीमेंट कंपनीज के नाम बताइए, आपको जितने भी नाम पता हो आप उतने बताइए, तो शायद आप 8 या 10 या 12 कंपनीज के नाम मुझे बता पाए,
लेकिन क्या आप उससे ज़्यादा कंपनीज अपने दिमाग में सोच सकते? बहुत मुश्किल है, बिकॉज इस इंडस्ट्री में इतनी कंपनीज है ही नहीं। ये इंडस्ट्री एक ओलिगोपोली मार्केट है। ओलिगोपोली मार्केट क्या होता है? ओलिगोपोली मार्केट में कुछ ही सप्लायर्स होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के, पर ये सप्लायर्स थोड़े बड़े होते हैं, बड़े लेवल के होते हैं, और इसी वजह से हर एक सप्लायर का प्राइस पर थोड़ा कंट्रोल होता है। और इस इंडस्ट्री में घुसने के लिए इतना आसान नहीं होता है, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, परमिशंस होती है, तो किसी भी नए प्लेयर के लिए इस इंडस्ट्री में घुसना आसान नहीं है। और सीमेंट इंडस्ट्री वैसे भी एक कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी न्यू एंटिटी टू जस्ट एंटर एंड कैप्चर मार्केट शेयर। इट वुड नीड लॉट ऑफ कैपिटल एंड रिसोर्सेज। सो अभी रिसेंट में ही एक केस हुआ था जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने सीमेंट कंपनीज पे 6,300 करोड़ की पेनल्टी इम्पोज की थी, और रीजन था कार्टेलाइजेशन। सो कार्टेलाइजेशन में क्या होता है कि ये कंपनीज आपस में ही अपने ग्रुप बना लेती है, एंड दे ट्राई टू कंट्रोल द प्राइजेज और प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट। इन सीमेंट इंडस्ट्री इट वॉज सीमेंट। सो ये मार्केट पे अपना एक दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं और हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो सप्लाई हो या प्राइस हो। और इस केस में सारी दिग्गज कंपनियों का नाम आया था, और इसी वजह से जब अगले दिन स्टॉक मार्केट खुला तो सारे सीमेंट स्टॉक्स 2 से 3% डाउन थे। ऑल्सो FDI इनफ्लोज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट एंड जिप्सम प्रोडक्ट्स हैव रीच्ड टू $5.24 बिलियन बिटवीन द 2000 एंड 2021। ऑल्सो गाइज, जाइंट्स ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री लाइक लफार्ज एंड वाइकेट फ्रॉम फ्रांस एंड हिडलबर्ग फ्रॉम जर्मनी हैव इन्वेस्टेड इन इंडिया फॉर इन द सीमेंट इंडस्ट्री। तो ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये FDI इन्फ्लोज कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, सो ये एक बुलिश साइन है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। एक और बहुत अच्छी बात इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में ये है कि जो रॉ मटेरियल है, लाइमस्टोन और कोल, वो बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में हमें हमारी कंट्री में मिल जाते हैं। अगर हम सीमेंट इंडस्ट्री की सबसे बड़ी पांच कंपनी, इंडिया की सबसे बड़ी पांच कंपनी का कंपैरिजन करें, तो उसमें हम नाम देख सकते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, ACC और JK सीमेंट। इधर स्टॉक प्राइस हम नहीं देखेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा मतलब PE रेशियो से है। तो इंडस्ट्री का PE रेशियो इज़ अराउंड 20.40, और इन कंपनीज का हम PE रेशियो देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसी के बराबर है और उसके पास में है। लेकिन श्री सीमेंट का PE रेशियो इज़ अराउंड 36, विच इज़ नॉट गुड। हमें PE रेशियो कम चाहिए, वैल्यूएशन कम चाहिए, जिससे फ्यूचर में कंपनी का स्कोप ज़्यादा हो शेयर प्राइस बढ़ने का। तो यहाँ हम देख सकते हैं ACC का PE रेशियो सबसे कम है इन पांच में, तो ये इसके लिए पॉजिटिव बात है। मार्केट कैप सबसे ज़्यादा अल्ट्राटेक सीमेंट का है। गाइस, अल्ट्राटेक सीमेंट इंडिया की सबसे बड़ी सीमेंट की कंपनी है, और जब हम टॉप 10 सीमेंट कंपनीज देखते हैं वर्ल्ड की, तो उसमें सिर्फ एक ही इंडियन कंपनी का नाम आता है और वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। एंड गाइज, वेन वी लुक एट द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, देन मोस्ट ऑफ द कंपनी, ऑलमोस्ट ऑल द कंपनी हैज अ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड परसेंटेज अराउंड 20%, बट द हाईएस्ट इज ऑफ अंबुजा सीमेंट। सो द टॉप 4 कंपनीज हैव बीन एबल टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट पर ईयर बिटवीन 15 to 25% समवेयर। लेकिन जब हम JK सीमेंट को देखते हैं तो भाई इसने तो हर साल 65% की प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है पिछले 5 सालों में, एवरेज हम बात कर रहे हैं, तो इसका यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है, ये आगे चल रहा है। लेकिन जब इतनी अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है तो इसका PE रेशियो भी इतना ज़्यादा नहीं है, तो इसके लिए हमें डेट टू इक्विटी रेशियो पे आना पड़ेगा। जब हम डेट टू इक्विटी रेशियो देखते हैं तो हम क्लियर कट देख सकते हैं JK सीमेंट का सबसे ज़्यादा डेट टू इक्विटी रेशियो है, एंड ऑलमोस्ट एवरी कंपनी डिजायर टू बी डेट फ्री, बट इन कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस लाइक सीमेंट इंडस्ट्री इट इज क्वाइट कॉमन टू हैव डेट। बट स्टिल ACC हैज मैनेज टू कीप देयर डेट टू इक्विटी रेशियो एज लो एज ऑलमोस्ट डेट फ्री, वी कैन से। सो दिस इज वन वेरी गुड पॉइंट अबाउट ACC। वेन वी लुक एट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वी कैन सी दैट श्री सीमेंट हैज द हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 27%। वेन वी लुक एट द प्रमोटर होल्डिंग, वी कैन सी दैट ऑलमोस्ट ऑल कंपनीज हैव प्रमोटर होल्डिंग अबव 50%, बट द हाईएस्ट इज ऑफ अंबुजा सीमेंट्स। प्रमोटर होल्डिंग के साथ साथ ज़रूरी है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की भी होल्डिंग देखना कि ये लोग इस किसी कंपनी में होल्डिंग बढ़ा रहे हैं कि कम कर रहे हैं। तो अल्ट्राटेक सीमेंट में हम देख सकते हैं FIIs ने होल्डिंग कम करी है लेकिन DIIs ने बढ़ाई है, तो हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्गर हैंड्स की होल्डिंग 3% से यहाँ पर बढ़ी है। श्री सीमेंट में भी FIIs ने कम करी है लेकिन डोमेस्टिक ने बाय किया है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 4% से स्ट्रॉन्गर हैंड्स की बढ़ी है। अंबुजा में भी FIIs ने कम किया है,
लेकिन DIs ने बढ़ाया है, तो यहाँ पे 0.50% पॉजिटिव। ACC में फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने बाय किया लेकिन डोमेस्टिक ने कम किया है, यहाँ पे 2.5% से पॉजिटिव। ये पॉजिटिव मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग किसी दूसरे से ज्यादा है, तो हमें दोनों को कंबाइन कर कर देखना है। और JK सीमेंट्स में भी हम देख सकते हैं कि फॉरेन ने अच्छा खासा बाय किया है पिछले 3 सालों में, लेकिन डोमेस्टिक ने अगेन बेचा है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 2.5% के आसपास इसमें भी शेयर होल्डिंग बढ़ी है स्ट्रॉन्गर हैंड्स की। तो सारी कंपनीज में हम देख सकते हैं ये जो स्ट्रॉन्गर हैंड्स या बिग प्लेयर्स हैं मार्केट के, इन्होंने नेट में बाय ही किया है। सो दिस थिंग ऑल्सो शोज दैट मार्केट इज वेरी बुलिश ऑन सीमेंट कंपनीज। सो गाइस, सम ऑफ द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इन द सपोर्ट ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री, लाइक इन अक्टूबर 2021 गवर्नमेंट केम अप विद दिस PM गति शक्ति अंडर विच दे वुड डेवलप द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इन इंडिया। इन जुलाई 2021 दे अगेन क्रिएटेड अ 25 मेंबर काउंसिल एंड केम एट अ कंक्लूजन ऑफ रिड्यूसिंग द वेस्ट, अचीविंग मैक्सिमम प्रोडक्शन, एनहेंसिंग क्वालिटी एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट, एंड ऑल्सो ब्रिंगिंग स्टैंडर्डाइजेशन इन द प्रोडक्ट लाइक सीमेंट विच कंसिस्टेड ऑफ मेंबर्स फ्रॉम अल्ट्राटेक सीमेंट दालमिया भारत। सो हाउ डज द रोड अहेड फॉर सीमेंट इंडस्ट्री लुक लाइक? सो द फर्स्ट थिंग इज द ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया आर गोइंग टू बी न्यूअर एंड अनटैप्ड मार्केट फॉर दिस सीमेंट कंपनीज, एंड इट कुड कॉन्ट्रीब्यूट टू देयर बॉटम लाइन इन फ्यूचर एंड ऑल्सो इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। इंडिया कुड बिकम द मेन एक्सपोर्टर ऑफ क्लिंकर एंड ग्रे सीमेंट टू द मिडल ईस्ट, अफ्रीका एंड अदर डेवलपिंग नेशन ऑफ द वर्ल्ड। सो वॉट इज दिस क्लिंकर? क्लिंकर इज लाइक अ सॉलिड मटेरियल प्रोड्यूस इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट एज एन इंटरमीडियरी प्रोडक्ट। सीमेंट कंपनीज विच आर बेस्ड नियर द पोर्ट्स लाइक द गुजरात और द विशाखापट्टनम विल हैव एन एडिड एडवांटेज एज इट वुड बी मोर एडवांटेजियस फॉर देम फॉर द एक्सपोर्ट एंड लॉजिस्टिकली बेनिफिशियल। ऑल्सो ड्यू टू इंक्रीजिंग डिमांड लाइक द हाउसिंग, कमर्शियल कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन, दिस टोटल सीमेंट प्रोडक्शन इन इंडिया कुड रीच टू 600 मिलियन टन्स पर एनम बाई द ईयर 2025। तो गाइज ये सब पॉजिटिव है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। और अभी जैसे रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, इन्फ्लेट हो गई हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद इन प्राइसेस में भी करेक्शन आएगा। तो जब करेक्शन आएगा उसके कुछ क्वार्टर्स बाद सीमेंट कंपनीज के मार्जिन भी इंप्रूव होंगे और इसके वजह से उनके प्रॉफिट्स बेटर रिफ्लेक्ट होंगे। इसलिए बहुत सारी ब्रोकरेजेस सीमेंट इंडस्ट्री के लिए बुलिश है। लेकिन सीमेंट इंडस्ट्री के लिए कुछ चैलेंजेस भी हैं। जैसे एक चैलेंज है GDP ग्रोथ। नाउ GDP ग्रोथ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक हमारी कंट्री की GDP रेगुलरली या कंसिस्टेंटली 8 से 10% की ग्रोथ नहीं दिखाएगी तो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना खर्चा नहीं करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली सीमेंट की भी डिमांड कम हो जाएगी। तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि GDP में कंसिस्टेंट ग्रोथ होनी चाहिए, हमारी इकोनॉमी कंसिस्टेंटली ग्रो होनी चाहिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी ग्रो होगा। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है इंक्रीजिंग इनपुट कॉस्ट। दो सीमेंट कंपनीज ट्राई करती हैं प्राइजेस बढ़ा के पास ऑन करने का ये इंक्रीज इन इनपुट कॉस्ट, बट स्टिल देयर इज सम लैग इन बिटवीन बिकॉज ऑफ विच देयर प्रॉफिट मार्जिन सफर्स। और थर्ड चैलेंज है लेबर शॉर्टेज, बट आई फील दैट विद द डिजिटलाइजेशन एंड ऑटोमेटेड प्रोसेस दिस चैलेंज कुड बी ओवरकम इन द फ्यूचर। नाउ हमें कौन से सीमेंट स्टॉक्स खरीदने चाहिए? तो गाइस इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली हर सीमेंट स्टॉक्स को स्टडी नहीं कर सकते थे क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाती, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि ICICI सिक्योरिटीज ने टारगेट दिए हैं तो उन्होंने कुछ स्टॉक्स पे फोकस किया था। मैं उन स्टॉक्स का नाम आपको बता देता हूँ। मेजरली उन्होंने फोकस किया था अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, श्री सीमेंट, ये उनकी टॉप पिक थी, और इनके साथ JK सीमेंट और रैमको सीमेंट पर भी वो काफ़ी बुलिश थे। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू।